अम्बाला में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पृथ्वीराज चौहान चौक का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया, कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी और अम्बाला शहर से विधायक असीम गोयल मौजूद रहे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए गजेंद्र शेखावत ने कहा कि आज हमारा देश सुखद बदलाव की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में मूर्तियां आने वाली पीढ़ियों तक प्रेरणा देने का काम करेंगी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम और एक भव्य मूर्ति ऐसे इम्पोर्टेंट चौक पर स्थापित की गई है, ये निश्चित ही प्रणम्य है, अभिनंदन के योग्य है, क्योंकि हमारे इतिहास के ऐसे योद्धा वीर और ऐसे महान व्यक्तित्व जिनसे प्रेरणा लेकर के, चाहे वो राष्ट्रभक्ति की, राष्ट्रप्रेम की, राष्ट्र रक्षा के संकल्प को और गहरा करने की और मजबूत करने की आवश्यकता वर्तमान में और भी बड़ी है, क्योंकि आज हमारा देश एक बदलाव के दौर से गुजर रहा है और एक सुखद बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम सब लोगों को राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र की रक्षा के प्रति और राष्ट्र के उत्थान के प्रति संकल्प को और अधिक जो है मजबूत करने की आवश्यकता है। कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा पंजाब के किसान दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसे लेकर सरकार क्या बातचीत करेगी, इसे लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हम बातचीत के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं और आगे भी तैयार रहेंगे। और केवल तुष्टिकरण के लिए नहीं, संतुष्टिकरण के लिए काम करेंगे, इस भावना के साथ में काम कर रहे हैं। मैं खुद किसान परिवार से आता हूं और देश में और देश के बाहर भी मुझे व्यक्तिगत रूप से कृषि काम करने का अनुभव भी है, अवसर मिला है। मैं एक किसान होने के नाते जिम्मेदारी से ये बात कह सकता हूं कि जो एक कृषि कानून है और जो कृषि कानूनों में बदलाव किया गया है, ये रिफॉर्म इस देश के आने वाले समय में एग्रीकल्चर के इतिहास में एक स्वर्ण अक्षरों की तरह अंकित किए जाएंगे। बेशक कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट रखने वाले लोगों ने, हो सकता है एक शॉर्ट साइटेडनेस के कारण से या अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के कारण से लोगों के मन में दुर्भावना पैदा करके लोगों को जो है गुमराह करके और इस तरह का आंदोलन खड़ा करने में कामयाबी प्राप्त कर ली होगी, लेकिन मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि जिस दिन देश के किसान को इसकी हकीकतें पता लगनी शुरू होंगी, जिस दिन हकीकत का अनुभव होगा, उस दिन निश्चित रूप से देश के सब किसान इस कदम के लिए देश की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। जहाँ तक बातचीत की बात है, मोदी जी की सरकार का USP संवाद है, हम संवाद के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं और हमेशा तैयार रहेंगे, हम साथ बैठ करके बात करेंगे। SYL के मुद्दे पर हरियाणा पंजाब में आज भी कोई हल नहीं निकल पाया है, जिसे लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तो इस पर कोई टिप्पणी करना वाजिब नहीं है। मुझे लगता है कि क्योंकि ये विषय सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के निर्देश के अनुसार हमने इसके लिए बैठक की थी, सचिव स्तर पर भी की है, मुख्यमंत्रियों के स्तर पर भी साथ बैठ करके बैठक की है, मुझे लगता है कि इस पर जब तक ये सर्वोच्च न्यायालय में इसका निर्णय नहीं हो जाता, इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। इसके आगे लव जिहाद के मामले को लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि पिछले दिनों राजस्थान के मुख्यमंत्री से विवाद हुआ था, जिस पर जवाब देते हुए शेखावत ने कहा कि मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री से ये सवाल किया था, लड़की से गलत नाम से दोस्ती करना और उसके बाद सही पहचान सामने आने पर लड़की को इमोशनली अत्याचार करना, उसे नाम और धर्म बदलने के लिए मजबूर करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। शेखावत ने कहा लड़की का सरनेम शादी के बाद बदलता है, शादी के बाद लड़की का सरनेम बदलता है लेकिन मेन नेम नहीं बदलता, लेकिन लड़कियों को उसके लिए क्यों मजबूर किया जाता है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान ने एक स्टेटमेंट दिया था कि विवाह नितांत व्यक्तिगत मामला है और इसमें इस तरह के कानून की आवश्यकता नहीं है, तो मैंने उनसे प्रश्न किया था कि मैं मानता हूँ कि व्यक्तिगत मामला है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी है, लेकिन छद्म नाम से
किसी बच्ची के साथ में जो है वो मित्रता करना, और उसके बाद में अपना नाम उद्घाटित होने पर उसको जो है इमोशंस के आधार पर ब्लैकमेल करते हुए उसको अपना नाम और धर्म बदलने के लिए मजबूर करना। यदि स्वतंत्रता व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही है तो हम सब के सरनेम तो शायद हम सब के परिवारों में भी लड़की के जब शादी होकर के आती है तो बदलते होंगे, लेकिन मेडन नेम को तो बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने पूछा था कि वो मेडन नेम बदलने की आवश्यकता उसको क्यों पड़ती है, क्यों उसके लिए उसको मजबूर किया जाता है, इसका जवाब पहले देना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि इस तरह के विषय पर जब समाज में बहुत सारे केसेस हो रहे हैं तो समाज की भी अपनी व्यक्तिगत समाज की भी अपनी जिम्मेदारी है, सामूहिक जिम्मेदारी है, और सरकारों को भी इस विषय में निश्चित रूप से सोचने की आवश्यकता है। अम्बाला से बी.एस. गुलियानी की रिपोर्ट।